हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। तो झारखंड बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाली थी काउंसलिंग डेट के वजह में कि रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा काउंसलिंग का सारा काम करवाया जाएगा। काउंसलिंग का फॉर्म 3 से 7 के बीच आपको अप्लाई करना है और लास्ट डेट एडमिशन की 10 तक है। तो उस वीडियो में कई सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था, लगभग 50 से ऊपर कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था। सभी का कमेंट में मैंने आंसर नहीं दे पाया है, बहुत कम ही लोगों 2-4 लोगों का आंसर मैंने दिया है, कमेंट में रिप्लाई किया है। तो इन सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई और आंसर मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में सारी बातें बताई जाएगी कि झारखंड में गवर्नमेंट बीएड कॉलेज की संख्या कितनी है और कितना रैंक लाने वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकेगा, एडमिशन फ़ी कितना है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर कितना पैसा लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा लगेगा और सेमी प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा लगेगा। तो झारखंड बीएड से संबंधित सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस दिया जा चुका है काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग के लिए 3 तारीख से अप्लाई करना है, उसके पहले कॉलेज की लिस्ट, सभी कॉलेजेस की लिस्ट आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। आपके कैटेगरी रैंक और आपके CML रैंक, कॉमन रैंक, कॉमनवेल्थ रैंक, कैटेगरी रैंक, सारी चीज़ों को समराइज़ करते हुए आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा, जैसा कि हर एग्ज़ाम्स में, हर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में होता है। तो फ्रेंड्स, आपको CML रैंक से ही आपको एडमिशन मिलेगा। कैटेगरी रैंक्स भी वेरी करेगा, क्योंकि उस कैटेगरी में यदि कम कैंडिडेट्स होंगे तो आपका एडमिशन जल्द अधिक हो सकता है। जैसे कि जो रिजर्वेशन है सभी सीटों के लिए, OBC के लिए, ST SC के लिए, EWS के लिए भी इस बार से रिजर्वेशन है, तो उसके लिए सीटें बढ़ जाएगी तो कैटेगरी रैंक से आप उसमें एडमिशन होगा। इसलिए कैटेगरी रैंक और CML रैंक दोनों वेरी करेगा। फ्रेंड्स, बीएड कॉलेज की बात करें तो झारखंड में 4 बीएड कॉलेजेस हैं। मुख्य रूप से 4 बीएड कॉलेजेस हैं झारखंड में, जहाँ की जो कि फुली गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो 4 बीएड कॉलेज कौन कौन से हैं तो वो भी, उनकी भी जानकारी मैं अभी दे रहा हूँ। 4 बीएड कॉलेज के अतिरिक्त एक और बीएड कॉलेज गवर्नमेंट, फुली गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है, लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। उसमें एडमिशन इस एग्ज़ाम से नहीं होगा, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अलग एडमिशन होता है। तो 4 बीएड कॉलेज आपके रांची में, देवघर में, हजारीबाग में और एक महिला गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू रांची में, यानी कि 2 रांची में ही है, एक देवघर में और एक हजारीबाग में है। मैंने इस सारी जानकारियों को हजारीबाग गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त किया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक डॉक्यूमेंट मिला जो कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड के द्वारा इन कॉलेजों को मान्यता के संबंध में 2004-05 का वो डॉक्यूमेंट है, उसमें सारी बातें लिखी गई है। तो 4 कॉलेजों में लगभग 100-100 सीटें हैं, सभी कॉलेज में 100 सीटें हैं। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग 10% हर सब्जेक्ट में सीटें हैं। तो इसमें ये भी वेरी करेगा कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं और उस सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है। तो अभी हम चलेंगे PDF पे और वहाँ पे सारी जानकारियाँ पता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, 3 प्रकार के बीएड कॉलेज हैं झारखंड में। पहला है गवर्नमेंट, फुली गवर्नमेंट बीएड कॉलेज। दूसरा है सेमी गवर्नमेंट, यानी कि अनुदान प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ उसको रन करते हैं और कुछ फीस ज़्यादा लेते हैं, तो उसका मेंटेनेंस यूनिवर्सिटीज़ करते हैं। और तीसरा है फुली प्राइवेट, उसमें फ़ी बहुत ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में कितना फ़ी होता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ फ़ी नहीं होता है, आपको 15 से 16 हज़ार के करीब में गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन इसमें बदलाव इस साल या कुछ सालों में हो गया होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि संस्थान और सरकार फी स्ट्रक्चर में बदलाव करती रहती है। अगला है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के फीस जानने के लिए मैंने एक अपने फ्रेंड से बात की है, एक कैंडिडेट से बात की है, तो उन्होंने बताया SP कॉलेज दुमका या किसी दुमका के बीएड कॉलेज से, तो उन्होंने बताया कि 44 × 2 यानी कि 88,000 है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी में फ़ी। तो लगभग इसी प्रकार से मैंने बात किया जब, तो 90,000 मान, यानी कि 90,000 से 80-90,000 के करीब में उसका फी है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में। और आगे जब चलते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज में भी एक लड़के ने कराया है, तो वहाँ उनसे बात किया, हजारीबाग के एक प्राइवेट कॉलेज, तो उन्होंने 1,30,000 से 40,000 की बातें बताई। साथ ही अन्य खर्च जो कि कभी
घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं तरह तरह के, तो उसमें कुछ खर्च लगता है बुक के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, कभी इंडिपेंडेंस डे, कभी कुछ के लिए, तो वो अलग है। लेकिन 1,30,000-40,000 फी वेरी करेगा, किसी कॉलेज में 1,30,000, किसी में 1,40,000, किसी में 1.5 लाख, ये प्राइवेट कॉलेज का फी है। जबकि गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, 4 गवर्नमेंट कॉलेज में 400 सीटें हैं, तो 400 से ऊपर जिनका है उनका गवर्नमेंट में नहीं हो पाएगा, सेमी गवर्नमेंट में हो पाएगा, और उनसे भी जिनका बहुत कम मार्क्स है उनका प्राइवेट में। लगभग हर एक कैंडिडेट का एग्जाम एडमिशन बीएड में हो जाएगा जिनका भी पॉजिटिव मार्क्स है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अच्छे खासे हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा, 32,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, उनमें से कई कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में नहीं अवेलेबल होंगे, नहीं उपस्थित, प्रेजेंट नहीं होंगे। तो चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट वाले गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हज़ारीबाग के ऑफिशियल वेबसाइट के, जो मैंने डाउनलोड किया, आप भी जाकर वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, उसमें सारी बातें जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के लगातार अपडेट मैं अपने बीएड कॉलेज, बीएड एग्ज़ाम के बारे में देता रहता हूँ। साथ ही जेएसएससी, जेपीएससी, एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की तैयारी और पल पल के अपडेट अपने चैनल पर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी नौकरी स्टडी को फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना है वीडियोस से रिलेटेड, कोई क्वेरीज है, तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, और फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। आप तो बीएड वाले हैं, लेकिन जो जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते आगे, देखते हैं पीडीएफ। तो फ्रेंड्स, ये है जहाँ झारखंड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग का संकल्प पत्र, जो बीएड कॉलेजों, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों को द्वारा को भेजा गया था मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा, और उनको अनुमति दिया गया था। तो मैंने पूरा रीड कर लिया है, यहाँ पे बहुत छोटा, बहुत धुंधला लिखा हुआ है, आप इसको देख नहीं पाते होंगे। यहाँ पे लिखा है, झारखंड सरकार के अंतर्गत अवस्थित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालयों, प्राथमिक शिक्षण शिक्षा महाविद्यालय, सारी जानकारी यहाँ इनके बारे में दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते होंगे, आलोक में राज्य के 4 राजकीय महाविद्यालय रांची, देवघर, हजारीबाग एवं एक महिला शिक्षण प्राथमिक प्रशिक्षण महाविद्यालय बरियातू रांची में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता के आधार पर शैक्षणिक वर्ष 2002-03 के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में 100 छात्र छात्राओं की नामांकन प्रक्रिया पूरी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भुवनेश्वर NCT द्वारा उनके पत्रांक फलाना चिराना दिनांक इतना के द्वारा सूचित किया गया है कि मान्यता मिलने के बाद NCT द्वारा निर्धारित के अनुरूप कार्यक्रम चलाने की मान्यता आगे भी जारी रहेगी, यानी कि मान्यता आगे भी जारी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत धुंधला है, नहीं दिख पाएगा, लेकिन मैंने बहुत ही ध्यान देकर इसको पढ़ा है, सारी जानकारियाँ अगले स्लाइड में इसके बारे में ये बताया गया है कि पहले तो मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन होता था, तो उस चयन समिति के बारे में जानकारी दिया गया है कि इसमें कौन अध्यक्ष होगा, सदस्य कौन होगा, कैसे चयन किया जाएगा, पहले की बातें हैं। अब तो एग्ज़ाम के द्वारा इसमें एडमिशन लिया जा रहा है, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और BPED फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में भी इसमें बात किया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत कम है, उस समय का फी स्ट्रक्चर तो बहुत ही कम है। यहाँ पे लिखा गया है, नामांकन के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से 3,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से 1,000 लिया जाएगा। इसी तरह परीक्षा है तो आवेदन पत्र भरने के समय सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से पुनः 1,500-1,500 रुपये लिए जाएंगे, SC/ST उम्मीदवारों से 500 रुपये लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सभी कोटि के नामांकित उम्मीदवारों से प्रतिमाह निम्नलिखित शुल्क लिया जाएगा, छात्र को उसमें क्रीडा के लिए 100 रुपया प्रतिमाह, कॉमन रूम के लिए 100 रुपया प्रतिमाह, विद्युत प्रभार एवं अन्य व्यय के लिए 100 रुपया प्रतिमाह, शिक्षण शुल्क के लिए 200 रुपया प्रतिमाह, 500 रुपया प्रतिमाह। तो 2 सालों में कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये, पहले 4,500, यानी कि 16,500 रुपये। महाविद्यालय विकास कोष 1,000 रुपया, प्रशिक्षण अवधि में एक ही बार देना है, 17,500 रुपया। इसमें बढ़ाया भी गया होगा 2-3 हज़ार, तो 20,000 के करीब गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। तो ये जानकारी मिल गई। नीचे सीटों के बारे में जानकारी है, संकायवार पाठ्यक्रम सभी तरह के प्रशिक्षण कार्य हेतु NCTE द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होंगे। संकायवार सीटों का बंटवारा, प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड में सीटों का बंटवारा
निम्नवत रहेगा, भाषा हिंदी में 10%, अंग्रेजी में 10%, संस्कृत, अरबी, फारसी, हो, मुंडाली, संतारी, संथाली, उराव आदि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 5%। सेकेंड में टू में है कला संकाय यानी कि आर्ट्स में, भाषा रहित, भाषा को छोड़ करके। तो इतिहास में 10%, भूगोल में 10%, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में 10%, वाणिज्य एवं गृह विज्ञान में 5%। तीसरा है विज्ञान संकाय साइंस स्ट्रीम में, भौतिकी में 10%, रसायन में 10%, जीव विज्ञान बायोलॉजी में 10%, और अंत में गणित में अलग से 10%। नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उन पर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य प्राप्ति तिथि अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा पंजी में संधारित कराएंगे। सभी प्राप्त आवेदन पत्रों को सही ढंग से पंजीकृत किए जाने की जिम्मेवारी संबंधित प्राचार्य को होगी। ये सारी जानकारी मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है कि कैसे मेरिट लिस्ट तैयार करना है। अशोक कुमार सिंह, आयुक्त एवं सचिव ग्राम उच्च शिक्षा विभाग झारखंड रांची का ये PDF था। ये मैंने गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग के वेबसाइट से प्राप्त किया है। मैं आपको उनका वेबसाइट भी अभी दिखा देता हूँ, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के वेबसाइट पे जाके। फ्रेंड्स, यही है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ सारी जानकारियाँ हैं, यहाँ पिक्चर भी, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हजारीबाग झारखंड भारत, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया, एड्रेस भी दिया होगा, GTTC BED झील रोड हजारीबाग, फ़ोन नंबर, ईमेल भी दिया गया है। और यहाँ पे डाउनलोड सेक्शंस में जब जाते हैं तो डाउनलोड सेक्शंस में ही आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट वो PDF मिलेगा। डाउनलोड सेक्शंस में सारी बातें यहाँ लिखी गई है, न्यू एडमिशन फॉर्म, एडमिशन थर्ड लिस्ट, मेरिट लिस्ट, डाउनलोड्स, यहीं से तो मैंने डाउनलोड किया था, मोर लिंक्स, स्टूडेंट्स डिटेल्स, नोटिस, ऑब्जेक्शन लिस्ट, सेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट, एग्जामिनेशन, BEd कमेंट्रेंस, सेवन्थ लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, थर्ड लिस्ट, सेकंड लिस्ट, एडमिशन फॉर्म, फ्रेंड्स मुझे यहाँ से मिला था नीचे मोर लिंक्स लिखा हुआ, एडमिशन एंड फी डिटेल्स। तो एडमिशन एंड फी डिटेल्स में क्लिक करने पर आपका ये एडमिशन PDF खुलता है। इस PDF को ही मैंने बताया हुआ है, रीड करके पूरा समझाया हुआ है पहले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल न्यूज मैंने आपको बताया और कुछ ज़रूर हेल्प हुआ होगा आपको एडमिशन के बारे में समझने में। और आगे जब रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेजेस की लिस्ट आएगी, फर्दर कोई भी डिटेल्स आएगा, कोई सूचना आएगा, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब पर रखने का काम करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के लगातार वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।